सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान सकते हैं, सुबह हो चुकी है और सुबह हम लोग की हनुमान चालीसा से हुई है। मतलब सुबह में ये सब गाना सुनना चाहिए जिससे कि दिन अच्छा जाता है, ऐसा लोग बोलते हैं। क्या पता जाता हो नहीं जाता हो, इसी को टेस्ट करने के लिए हम लोग ये गाना सुन रहे हैं। बाकी ऐसे ही करके आज के ब्लॉग का शुरुआत होगा गाइस। अभी थोड़ी देर बाद नहा धो के मिलते हैं। A few moments later. So hello everyone, this is Sarthak and welcome back to another vlog. तो guys, जैसा कि आप सभी जान सकते हैं, हम लोग दो महीनों के बाद फाइनली ये ड्रेस पहन लिए और दो महीनों के बाद अब कॉलेज जा रहे हैं। दो महीने से ज़्यादा ही हो गया होगा ये ड्रेस, और आज पहला ही दिन, और पहले दिन मैं बिना यूनिफॉर्म के जा रहा हूँ। ये देख सकते हो ये पैंट। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। असल में वो क्या बात है ना कि मेरा पैंट जो था पिछला वाला, वो छोटा हो गया है, तो मुझे नया खरीदना है, लेकिन इतना जल्दी खरीद नहीं पाया, तो इसीलिए पहले ही दिन बिना ड्रेस के जाना पड़ रहा है। खैर क्या ही कर सकते, वैसे भी थोड़ा सेकेंड ईयर में आ गए हैं, तो कुछ तो ऐसा करना चाहिए ना कि लगे कि हाँ सेकेंड ईयर में आ गए हैं आप। ये बढ़िया था गुरु। और गाइस अभी हम लोग चलते हैं कॉलेज। और वैसे हाँ, ये भी बात है कि अभी 8:25 से हो गया कॉलेज, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों हुआ है। मतलब कि कॉलेज तो 8:25 से नहीं होना चाहिए भाई, 9 बजे से कॉलेज रहता था कितना बढ़िया होता था, 8:25 से कॉलेज कर दिए, पता नहीं ऐसा क्यों किए हैं लोग। मर्जी जी, मेरी मर्जी अनवर भाई। खैर रामस्वरूप का कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ कहना इम्पॉसिबल सा ही है। बाकी अभी हम लोग चलते हैं नीचे और थोड़ा नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि इतना जल्दी उठ गए हैं, तो वैसे भी रात में नींद ही नहीं लगा है। मैं तो 5 ही बजे से उठ रहा हूँ, कभी सो रहा हूँ, उठ रहा हूँ, कभी सो रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है इस रूम में दोस्तों। खैर अभी चलते हैं क्लास करने। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का कॉपी, ये सेम कॉपी है, पूरे फर्स्ट ईयर तक चला है और अभी भी इसमें इतना पेज है, आज सेकेंड ईयर में भी इसका इस्तेमाल होगा। 3 सेमेस्टर ये कॉपी चलेगा और उम्मीद करता हूँ अगला सेमेस्टर भी चला दें उसी से। बाकी ये सब कॉपी है, ये सब भी रफी कॉपी है, सारा पिछले सेमेस्टर का है, कुछ नया नहीं है, कुछ भी नहीं। दोस्तों जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हम लोग चल रहे हैं कॉलेज और इसी वाले रास्ते से चल रहे हैं, ये वाला रास्ता। राम राम लगदर है। सीनियर ही अधिकतर यूज करेंगे ये वाला रास्ता, शुरुआत में जूनियर यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको कॉलेज घूमना रहता है ना, हम लोग भी नहीं यूज करते थे ये वाला रास्ता। तो ये रास्ते से चलने का मतलब यू आर सीनियर और आप जानते हैं कुछ कॉलेज के बारे में। बाकी अभी हम लोग चल रहे हैं कॉलेज, लंच तक है मेरा क्लास, उसके बाद आ जाएंगे, ज्यादा क्लासेस नहीं है, देखो क्या होता है क्या नहीं। चलो अभी क्लास करने चलते हैं। उमर भाई भी चल रहे हैं, इनका सुबह से शाम तक क्लास है आज। सो गाइस जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हम लोग आ चुके हैं कॉलेज और अपना क्लास एक आध चल नहीं रहा था, इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ पे पानी भरने, दूसरे फ्लोर पे आने पड़ता है। और भाई लोग फाइनली क्लासेस ख़त्म हो चुके हैं, मतलब ज़्यादा क्लास था नहीं, 2-3 क्लास ही था, तो वो सब हम लोग करके आ चुके हैं। और कुछ क्लासेस के टीचर अभी नहीं अलॉट हुए हैं, तो अब हम लोग चल रहे हैं वापस हॉस्टल, खाना पीना खा के अपना आराम किया जाए, वीडियो एडिट करना है। और यहाँ पे देख सकते हो मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, तो बारिश वगैरह हो रहा है हल्का बहुत, वैसे गर्मी भी बहुत हो रहा है, बारिश भी हो रहा है, गर्मी भी हो रहा है, पता नहीं ये कैसा मौसम है, मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई क्या हो रहा है ये। भाई लोग फाइनली हम लोग क्लासेस करके आ चुके हैं और आज तो अपना ज़्यादा क्लासेस नहीं था, लगभग 3 क्लास चला है बस, 3 क्लास, उसके बाद 2 क्लास और था, लेकिन उसके टीचर अभी तक अलॉट नहीं हुए, तो वो सब नहीं चला है। बाकी अब हम लोग आ चुके हैं हॉस्टल और अभी तो आए हैं, अभी तो खैर खाने का टाइम नहीं हुआ है, यहाँ टाइम भी चेंज हो चुका है लंच का, लंच अब 12:30 बजे तक होगा, तो वो भी चेंज हो चुका है, तो इसलिए अभी थोड़ा देर हम सोचे नीचे क्या करेंगे, इसीलिए रूम पे आ गए, तो अब थोड़ा देर आराम करके अब फिर नीचे जाएंगे, अपना खाना पीना खाएंगे। वैसे देखो आज क्या होता है क्या नहीं, क्या बनता है क्या नहीं, क्योंकि मेन्यू अभी तक भेजे नहीं है ये लोग, अभी शायद कुछ दिन बाद मेन्यू आएगा, अभी तो शुरू ही हुआ है, अब जब बच्चे आ जाएंगे तब मेन्यू वगैरह आएगा। बाकी उम्मीद करते हैं बढ़िया हो भाई, क्योंकि सुबह का नाश्ता छूट गया था और ये वाला बढ़िया नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, उबेर रहना पड़ेगा। बाकी ठीक है गाइस अभी चलते हैं। 1 hour later. So भाई लोग फाइनली हम लोग खाना पीना खा के आ चुके हैं, बाकी आज के भी खाने में वही था, छोला वगैरह था और कुछ था, यही सब था। बाकी अभी तो हम गए थे हॉस्टल विजिट, मतलब हॉस्टल पूरा घूमने, अभी हम घूम के आए, 3 फ्लोर घूमे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों फ्लोर पर घूमे हैं, ये देखने के लिए रूम कितना खाली है, अभी काफ़ी रूम खाली है, तो अब शाम में जाके नीचे बात करके देखते हैं, नीचे ही शिफ्ट हो जाएंगे लोग, क्योंकि इतना ऊपर रहना इट इज़ नॉट पॉसिबल गाइस, बहुत ही गर्मी ऊपर से यहाँ बहुत ज़्यादा है
और रूम भी है ऊपर, इतना ऊपर है। तो देखो कुछ बात करते हैं, अगर हो जाता है तो ठीक है, वरना क्योंकि बात ऐसी है ना कि हॉस्टल वालों के बात पे भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है कि उसमें शिफ्ट करेंगे, क्या पता नहीं किए, क्या पता फर्स्ट ईयर वालों को उसमें शिफ्ट कर दिए, तो इसीलिए थोड़ा दिक्कत है। बाकी अभी देखो अभी क्या होता है, अभी तो हम बस हम ही आए हैं, उमर भाई गौरव भाई का अभी क्लास चल रहा है तो वो लोग भी आ जाते हैं, तो कुछ हम लोग मिल के डिसाइड करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी अभी तो चलते हैं, हम लोग थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर अभी ब्लॉग भी कल का एडिट करना है, वो भी अपलोड करना है, तो अब वो करने जा रहे हैं, सोना त्याग देना है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जान सकते हैं, मेरा जो पिछला वीडियो था, मतलब कि जो आने वाला पूरा ब्लॉग था जो भी था, वो अब डिलीट नहीं मतलब ख़राब हो चुका है। जैसे क्या हो रहा है कि कुछ लेंथ तक वीडियो चल रहा है सही से, फिर एक ही फोटो चल रहा है लेकिन पीछे से ऑडियो आ रहा है, तो वो वीडियो ख़राब हो चुका है। और उसका जितना भी क्लिप था मैं फिर से बनाना चाहूँ तो मैंने डिलीट कर दिया है, पता नहीं क्या जल्दीबाजी रहता है मुझे, असल में फ़ोन में स्टोरेज का दिक्कत रहता है तो खाली करना पड़ता है, अगर वीडियो और बनाना रहता है तो बहुत ख़राब बात है ये। और साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। और वो वीडियो इतना, वो वीडियो मतलब बढ़िया बना था, जो जैसा भी बना था बढ़िया बना था और काफ़ी अच्छा बना था, लेकिन डिलीट हो चुका है और ये काफ़ी ख़राब बात है। मतलब पता नहीं इतना किस्मत ख़राब क्यों है मेरा, मतलब ऐसा 2-3 सेकंड का खुशी तक नहीं आता है। वो वीडियो सच में अच्छा बना था भाई, उसका थंबनेल बन गया था, अपलोड करने के बाद पता चल रहा है कि ऐसा हुआ है और काफ़ी बुरी बात है। खैर अब क्या ही कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं, अगर वो वीडियो छोड़ो तो बात है, क्या ही कर सकते हैं। भाई लोग अभी हम लोग चल रहे हैं बाहर, जी हाँ, इतना ज़्यादा ये वीडियो ये सब हो गया तो इसको थोड़ा दूर करने के लिए अब हम लोग चल रहे हैं थोड़ा बाहर, सामान भी लेना था और थोड़ा बाहर भी निकल जाएंगे, हॉस्टल में पड़े पड़े बोर हो रहे थे और सामान लेना था, सामान लेना ज़रूरी, हॉस्टल में तो पड़े पड़े बोर हो रहे थे, क्या लेने देना। बाकी यहाँ पे देख सकते हो अपना श्री राम स्वरूप मेमोरियल, आगे वैसे ये क्या बन रहा है मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूँ और शायद समझने में और 2-3 जन्म लग जाएगा, पता नहीं क्या बन रहा है। बाकी यहाँ पे देख सकते हो अपना गिल्लू ये सब भी है और अभी अनुभूति वगैरह, अभी नहीं अनुभूति नहीं, फ्रेशर्स वगैरह होगा तो फिर इवेंट होगा, क्या क्या होगा, यहाँ पे ओरिएंटेशन होने वाला है, यहाँ फिर से लखनऊ लिखेगा कि नहीं लिखेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी मेरे दिमाग में यही है कि यहाँ फिर से लखनऊ लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है आज के समय का, क्योंकि नहीं लिखा जाएगा ऐसा हो नहीं सकता है, लिखा ही जाएगा। वैसे ये देख सकते हो हम लोग रात का खाना वाना खा लिए हैं, अब थोड़ा देर BBC पे आए हुए हैं क्योंकि BBC पे खाली रहता है और हवा भी चल रहा है ताज़ा हवा, तो थोड़ा देर ताज़ा हवा में बैठ के फिर जाएंगे हॉस्टल और सो जाएंगे क्योंकि कोई काम। तो गाइस फाइनली हम लोग खाना पीना खा के आ चुके हैं, बाकी आज था सोयाबीन और थोड़ा बढ़िया था, बस कस्टर्ड आज का अजीब था, मतलब कि कुछ ज़्यादा ही अजीब था, खट्टा लग रहा था भाई, पता नहीं क्यों ऐसा था। बाकी ठीक है गाइस, आज का हो गया सारा। और हाँ, पिछला वीडियो जो डिलीट हो चुका है उसके बारे में बात अगर करते हैं, तो उसमें असल में ये मेन यही था कि हम यहाँ पे आए थे, शिफ्ट हुए थे, रूम गड़बड़ हो गया था, 3rd फ्लोर पे रूम मिला था, फिर इस फ्लोर पे आए साथ में रहने के लिए, यही सब कुछ हुआ था। काफ़ी बढ़िया वीडियो था, उमर भाई का भी काफ़ी अच्छा मतलब कि फीचर किए थे उमर भाई भी और काफ़ी अच्छा वीडियो बना था, लेकिन अफसोस के कारण कह सकते हैं कि वो डिलीट हो गया, मतलब कि एक समय तक चल रहा था फिर वो मतलब कि रुक जा रहा था, पीछे आवाज़ आ रहा था, यही सब हो रहा था। खैर क्या ही कर सकते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये बोल तो हर बार देते हैं लेकिन इससे रिलेट कभी तक आज तक नहीं कर पाए, ये बड़ी अच्छी बात कही आप, पता नहीं क्यों ही होता है, हर चीज़ खराब ही होता है। बाकी अभी तो यहाँ पे इस रूम में आए हैं, अभी इस रूम में मेन दिक्कत ये है गाइज कि अभी हम कुछ सामान ही नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि असल में बात ऐसी है कि अभी कुछ दिन बाद बोले हैं लोग कि वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, हम लोग आज बोल रहे थे कि संडे को शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसीलिए समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या सामान निकालें क्या नहीं निकालें, ज़्यादा सामान कर देंगे तो फिर पैक करके फिर वहाँ पे जाना पड़ेगा, तो इसलिए भी दिक्कत होगा। खैर अभी बस ज़रूरत का सामान निकालना है और बस उतना ही, बस उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उधर हो जाए, क्योंकि अब दिक्कत हो रहा है भाई, यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा गर्मी, मतलब टी शर्ट पहन के बैठने में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है। बाकी ठीक है गाइज, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें सार्थक रंजन ब्लॉग्स।
Thank you.